हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। अगर आप आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जैसा कि मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंट्रेंस मेकओवर, मॉनसून इंट्रेंस मेकओवर आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने ये जो है आफ्टर वाला लुक है तो मैं आपको दिखा दूँ बिफोर वाला लुक कैसा था और कैसे मैंने इसे मेकओवर किया है बिल्कुल इजीली, कुछ ही मिनटों में, कम से कम टाइम में फटाफट। तो हमारा एंट्रेंस जो पहले था वो कुछ ऐसा था, बिल्कुल वाइट बेसिक वॉल था, जो नॉर्मल पेंट होता है वो वाला ही पेंट था इसके ऊपर। और यहाँ पे ना ऐसे चार बड़े बड़े से होल थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इन होल का क्या करूँ। तभी एक आइडिया क्लिक हुआ और ये मुझे काफ़ी टाइम से बॉदर कर रहा था, तो फाइनली इससे मेकओवर करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो वो आइडिया यहाँ पर हमने एक्सिक्यूट किया है। तो देखते हैं कैसे किया है। किसी भी मेकओवर में जान डालने का पहला काम होता है पेंट का, यस पेंटिंग। तो हमने यहाँ पे किया है अपने वॉल को पेंट। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक लेमन कलर यूज़ किया है जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है और मॉनसून सीज़न चल रहा है तो इस तरह के कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कलर करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो यहाँ की क्लीनिंग थी, तो हमने इसे क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद यहाँ पे एक वॉल को मैंने वाइट ही रखा है, उसके ऊपर हमने इस तरह से, मैंने ये जो आप DIYs देख रहे हैं ये सर्कुलर वाले, ये पहले भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था तो उसे आज यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो उसे ड्यूल टिप की हेल्प से यहाँ पर इस वॉल पर मैंने रैंडम पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए सारे DIYs आपको देखे देखे से लग रहे होंगे, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं एक प्लांटर। जी हाँ, थोड़ा सा इंटेंस मेकओवर में हम प्लांट का भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप नहीं आती इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारे प्लांट नहीं रखेंगे, बिल्कुल एक दो प्लांट रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला मेकओवर है। बार बार हटाकर फिर उनमें पानी डालना, उन्हें धूप दिखाना, फिर लाकर वहाँ प्लेस करना, ये सब काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला मेकओवर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक कार्ड बॉक्स को लेकर मैंने यहाँ पर इसके जो ऊपर वाले इस तरह के पेपर हैं इन्हें निकाल लिया है, बिल्कुल ईजिली ये पेपर निकल जाते हैं। बिल्कुल देखिए, बस आप अपने हैंड से इसे नेल से इस तरह से स्क्रैच करते जाइए और काफ़ी इजीली ये पेपर रिमूव होते जाते हैं। तो इसी तरह से हमें इस बॉक्स के चारों तरफ से ये पेपर को रिमूव कर लेना है, एक प्लांटर में चेंज करना है। तो आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं या चाहे तो इसे एटिटीज रख सकते हैं। मैं यहाँ इसे एटिटीज रख रही हूँ। तो यहाँ पे एक पुराना टूथब्रश लेकर मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि जो हमने पेपर निकाले वो काफ़ी मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स उस पर अटके रह जाते हैं जो कि हैंड से नहीं निकल पाते, तो उसे ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ रिमूव कर रही हूँ। और एक पुराना सा लेस लगा कर यहाँ पर इसे कर दिया है हमने ग्लू की हेल्प से पेस्ट। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा प्लांटर बन गया है हमारा रेडी, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्लांटर। अब नेक्स्ट DIY की ओर बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए मैक्रमे थ्रेड। मैक्रमे थ्रेड की हाइट जैसे कि मेरा जो दो होल था उन दोनों की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमें बनाने लेने हैं बेड्स, इस तरह से हम यहाँ पे बनाते जा रहे हैं चूटियाँ, बेड्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से तीन थ्रेड लेने हैं इक्वल साइज़ के और उन्हें इस तरह से गूँथते जाना है। तो देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे चोटी बनाते हैं आप बस उसी तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से मैंने दो थ्रेड रेडी कर लिए हैं बिल्कुल लंबे लंबे 5 फीट के साइज़ के। और अब आइए यहाँ पे हम अनदर जो हमारा मैक्रमे थ्रेड का दूसरा DIY है वो करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक एम्ब्रॉयडरी हुप चाहिए। तो ये मेरे पास वेस्ट पड़ा था जिसका इंटीरियर अंदर वाला मैंने एक लैम्प शेड बनाने में यूज़ किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो ये जो आउटसाइड वाला बचा था उसे ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस अच्छे से पहले मैंने उसके माउथ को सील कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे मैक्रमे थ्रेड से इस तरह से यहाँ पे बनाने वाली हूँ स्क्वायर नॉट्स। जी हाँ, तो देखिए बिल्कुल इस तरह से 4 थ्रेड में 2 थ्रेड्स लेने हैं इक्वल साइज़ के और उन्हें डालकर मैक्रमे थ्रेड में हैंग करना है और वो 4 थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हाफ हाफ से हमें इन्हें डालना है। याद रखना है कि अगर आपको 5 फिट की हाइट चाहिए तो आपको 10 फिट का थ्रेड लेना है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसे लिया है और बस स्क्वायर नॉट बिल्कुल ईजिली देखते जाइए गौर से, काफ़ी सिंपल और ईजी होते हैं स्क्वायर नॉट बनाना। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट्स बना रही हूँ। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर नॉट से ये
एक लॉन्ग और दो स्मॉल साइज़ के इस तरह से बना लिए हैं यहाँ पे अपने बॉटरी हुक में। उसके बाद मैं थोड़े थोड़े से साइज़ के लेते हुए, जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट वाला लिया है 40 सेंटीमीटर का, तो मैंने इस फर्स्ट ऐसे टू रोप इस साइड लेफ्ट साइड लगाए हैं और फर्स्ट टू रोप्स इस साइड लगाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट रोप ले रहे हैं तो आप लेंगे 38 सेंटीमीटर्स का, दो इधर और दो उधर लगाएंगे। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इस DIY को कंप्लीट किया है कुछ बीट्स और पर्ल के साथ। तो इस तरह से जो बीट्स आपने यहाँ देखे ये आपको पूजा स्टोर पे या क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाएंगे। तो उन्हें बस उस माले को मैंने यहाँ पे इस तरह से हैंग कर दिया है और एक एडेसिव हुक की हेल्प से यहाँ पे इसे हैंग कर दिया है। तो ये हमारा इंटरेस्ट मेकओवर रेडी है। यहाँ पे एक सू सेल्फ रखा है, उसके ऊपर ही मैंने इसे यहाँ पर हैंग किया है जो कि वॉल का एक पतला साइड था, और इसे हैंग करने से पूरा वॉल अच्छी तरह से कवर हो गया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ ये जो DIY है वो कैसा लग रहा है वॉल डेकोर। तो ये हमारा एक साइड का वॉल डेकोर रेडी है, एक वॉल एक तरह का रेडी हो गया है। तो नीचे हमने रखे हैं सूर्य और थोड़े से हैंड सैनिटाइज़र जो कि अभी घर घर पे रखे जा रहे हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वॉल की ओर। तो नेक्स्ट वॉल पे हमने इस तरह से आपको दिखाया था कि हमने इस तरह से सर्कुलर जो DIY थे हमारे पास वो यहाँ पे ऐड किया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने पेपर की कटिंग से पेपर को कट करके यहाँ पे एक हर्ट का शेप दिया है जो कि कीच का शेप है, और कुछ ब्लैक पेपर कट करके हमने बर्ड का शेप दिया है। और ये जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं ट्री, तो ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया ट्री है। तो यहाँ पे जो आपको ये वुडन स्टिक्स आते हैं ऐसे फ्रेम के लिए, वो वाले स्टिक्स लेकर हमें वॉल पे कांटे की हेल्प से यहाँ पे इसे ठोका गया है। जो कांटे आते हैं आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे, तो उनकी हेल्प से इसे यहाँ पे ठोक कर फिक्स किया गया है। सेप साइज था, उसी सेप में हमने इसे फिक्स किया है। उसके बाद जो आप यहाँ डस्ट देख रहे हैं वो लकड़ी का बुरादा है यानी कि वुडन डस्ट, उसे हमने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट किया है और हमारा ट्री फॉर्म किया है। और ये देखिए इस तरह से ट्री हमने यहाँ पे फॉर्म किया है। उसके बाद जो मैंने स्ट्रिंग बनाया था वो यहाँ पे मैक्रेमे स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, उसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इस तरह से पेपर को कट करके कुछ बर्ड्स का शेप हमने बनाया है, कुछ केजेस बनाए हैं और उन्हें यहाँ पे पेस्ट किया है अपने डेकोरेशन में। तो देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा दूँ, ये कंप्लीट ये वॉल कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हमने बनाए हैं ट्री, केजेस एंड कुछ बर्ड्स। जहाँ पे बड़े होल्स थे वहाँ पे हमने केजेस को ड्यूअल टेप की हेल्प से पेपर केजेस को ऐड किया है, और यहाँ पे देखिए ड्यूअल टेप की हेल्प से हमने यहाँ पे ऐड किया है इस तरह से एक टोकरी जिसे हमने एज अ नेस्ट यूज़ किया है। तो इसी के साथ हमारा जो वॉल मेकओवर था वो ओवर हो चुका है, सारे वॉल रेडी हो गए हैं। तो अब हम फ्लोर पे फ्लोर का मेकओवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला है एक ग्रास मैट, उसके ऊपर आ गए हमारे कुछ प्लांट्स और कुछ आइडल्स। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लांट ऐड किया है। तो इसी के साथ हमारा ये मेकओवर कंप्लीट होता है, एंट्रेंस मॉनसून मेकओवर। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.